नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आयुष है और आज मैं इस प्लांट जट्रोफा प्लांट जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप फ्रेंड्स प्लांट देख रहे हैं, कितना ज़्यादा सुंदर प्लांट है, इसके फूल कितने ज़्यादा ब्राइट और ख़ूबसूरत कलर के हैं। इस प्लांट की फ्रेंड्स कई सारे वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, ये पिंक में भी आते हैं इसके फूल, कहीं ऑरेंज में भी आते हैं, तो काफ़ी सारे कलर्स में इसके फूल अवेलेबल हैं। मेरे को ये रेड वाला अवेलेबल हुआ तो मैंने रेड वाला ख़रीदा हुआ है। इस प्लांट को मेरे पास 5 महीने करीब हो गए हैं। ये बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगता है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, कम मेंटेनेंस चाहिए इसे, और ये ऑलमोस्ट एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि काफ़ी बिजी रहते हैं या फिर अक्सर आप पौधों को पानी देना भूल जाते हैं, तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लाइए, क्योंकि अगर आप एक दो दिन से पानी देना भूल भी जाओ तब भी ये प्लांट अच्छी तरह से चल जाता है, सर्वाइव कर लेता है। बाकी फ्रेंड्स, ये एक हाईली टॉक्सिक प्लांट है, तो इस प्लांट का आप जब भी प्रूनिंग करते हो या इसकी पत्तियों को छूते हो उसके बाद अपने हाथ आप अच्छी तरह ज़रूर वॉश कर लीजिए, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक प्लांट होता है। और फ्रेंड्स, कई लोग इसको इस प्लांट के फूलों को देखकर, ये बंच में फ्लावरिंग करता है जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी सारे फूल एक साथ खिलते हैं इसके, तो कई लोग इसे एक्सोरा जो होता है, एक्सोरा प्लांट जो होता है, एक्सोरा कॉक्सिनिया, उसके साथ इसे कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट वेराइटी है। इस मेरे जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप पूरे प्लांट पे नई नई ग्रोथ हो रही है, हर जगह नई नई कलियाँ आ रही हैं। इसकी जो नई सेट ऑफ लीव्स आती हैं वो देखिए इस ब्रॉन्ज कलर की आती हैं, बहुत ही खूबसूरत ब्रॉन्ज कलर की लीव्स आती हैं। ये देखिए यहाँ पर भी नई कलियाँ आ रही हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है मेरे प्लांट में। और गर्मियों का मौसम फ्रेंड्स इसको पसंद है, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया का नेटिव प्लांट है, तो इसीलिए हमारे एरिया में अच्छी तरह ग्रो कर जाता है। ये इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। इस प्लांट को फ्रेंड्स गर्मियां तो पसंद हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे मई जून की जो गर्मियां होती हैं जब 45 अबव टेम्परेचर चला जाता है, तो उस टाइम पे इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो जाती है, उस टाइम पे ग्रोथ इसकी बहुत कम होती है। और इसकी कलियाँ तो आती हैं उस टाइम पे, बट जो कलियाँ होती हैं वो काली होकर गिरने लगती हैं, फूल खिलते नहीं हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, जैसे ही बारिश पड़ती है, तो उसके बाद ये प्लांट खूब सारी फ्लावरिंग करने लगता है, खूब सारी कलियाँ बनाता है और खूब सारे अच्छे अच्छे फूल देता है ये। इस ये प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाइज़ को और बीज को भी बहुत ज़्यादा अपने पास अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये घर में लगाने के लिए। और काफ़ी हार्ड टू किल प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। एक बिगिनर अगर आप लेवल के गार्डनर हैं, अभी आपने गार्डनिंग शुरू की है, तो आप इसे लगा सकते हैं अपने घर में, कोई इसे बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी फ्रेंड्स, ये एक पेरिनियल प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल आपके घर में रहेगा, पूरे सालों साल आपके घर में रहता है ये। इस प्लांट की एक मैं बात करूँ तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है फ्रेंड्स, तो अगर आप ऐसा प्लांट चाहते हो, आप भी मेरी तरह इम्पेशेंट हैं गार्डनिंग के मामले में, तो आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट जल्दी से ग्रो करें, तो ये प्लांट एक आपके लिए ज़रूर आपके लिए मस्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी फ्लावरिंग देता है ये प्लांट। इसका बस यही है कि अगर ये बहुत ज़्यादा अनरूली हो जाए, बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल जाए, तो आप इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते हो, तो ये प्लांट अच्छा लगता है, सुंदर लगता है कॉम्पैक्ट जगह में। मैंने ये प्लांट 12 इंच के सीमेंट के पॉट में लगाया हुआ है, और जैसा आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और रेनी सीज़न इसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत सारी कलियाँ भी देता है। दिन में फ्रेंड्स इसके फूल खिलते हैं, इसके फूल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में खिल जाते हैं, उसके बाद रात को इसके फूल गिर जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी सॉइल की बात करूँ तो इसे कोई स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी सॉइल मिक्स तैयार करते वक्त 60% जो क्ले सॉइल ले लीजिए, या गार्डन मिट्टी जो भी आपके यहाँ आपके एरिया में अवेलेबल है। मेरे पास चिकनी मिट्टी होती है, हमारे यहाँ दिल्ली में मैंने 60% क्ले ली है, चिकनी मिट्टी। इसमें आप 20% के करीब जो है रेत मिला लीजिए, बजरी या तो मोटे दाने वाली रेत मिला लो, जो बजरी जिसे कहते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन में पतली वाली जो फाइन सैंड होती है वो भी आप मिला सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा करने के लिए। और 20% ही आप इसके अंदर खाद मिला लीजिए, आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, और जो पत्ती की खाद होती है कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट जो होता है वो भी मिला सकते हो। और फ्रेंड्स, इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक नहीं देता, जैसे NPK वगैरह कोई नहीं देता हूँ, और मेरा प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर आप इसमें जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हो,
तो आप इसमें एनपीके दे सकते हैं, आधा चम्मच के करीब एनपीके आप दे सकते हैं 1 लीटर पानी में घोल के। इसमें हर 15 दिन में या हर मंथ में एक बार आप इसमें दे सकते हैं, तो आई एम श्योर कि इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। और फ्रेंड्स, आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई किसी प्लांट के बारे, पर्टिकुलर प्लांट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।